हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और आप सभी का स्वागत है हमारे 10 मिनट के शो में। ठीक है, तो आज देखो हम क्या बात करेंगे। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकालने की कोशिश कर रहा था, जहां पे हम एक सेशन में बात करेंगे। तो उस वक्त मैंने देखा कि कुछ फेमस स्लोगन्स जो है ना इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के, तो मुझे ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक सेशन डिजाइन किया जाए, जहां पे मैं ऐसे जितने भी फेमस स्लोगन्स हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं, उन सभी के हम क्या करें, एक बार में सबको पढ़ लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो मैंने सारे के सारे आपको एक ही सेशन के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये, जैसा कि आप पिक्चर में देख के पहचान सकते हो, इनकलाब जिंदाबाद। तो किसने बोला था इनकलाब जिंदाबाद? बिल्कुल सही आपका आंसर तो यहां पे हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो जो है नारा किसने दिया था? तो यस, बिल्कुल आप पिक्चर में भी देख के पहचान सकते हो, तो यहाँ पे है करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। तो देखो यहाँ पे केवल आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि जो स्लोगन है, ठीक है, स्लोगन है उसको देने वाला, मतलब उसको बोलने वाला, या फिर उस किस इंसान ने उसको जो है प्रेजेंट किया था, ये जो है आपको पता रहना चाहिए। और अगर वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, ये भी जान लेंगे कि कब जो है वो बोला गया था, यानी कौन से मूवमेंट में वो जो है पर्टिकुलर स्लोगन बोला गया था। तो हम ये भी चीज यहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डू और डाई। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, महात्मा गांधी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, जय हिंद। तो जय हिंद हम बहुत बार बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे जय हिंद किसने बोला था? तो यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे जय हिंद बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है किसने रखी थी? तो यस, बिल्कुल सही आपने सोचा है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही ब्रिटिशर्स के सामने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। नेक्स्ट, हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान, सॉरी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो नारा है या फिर ये जो वाक्य है ये किसने बोला था? तो ये बोला था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था हिंदू हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखो, बैक टू वेदास। बैक टू वेदास का जो नारा है या फिर ये सेंटेंस किसने बोला था, बैक टू वेदास? तो यस, बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने ये बोला था, बैक टू वेदास, याद रखना। नेक्स्ट देखो, आराम हराम है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोले तो कास्ट ऑफ योर लेजीनेस। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलर सेंटेंस ये किसने बोला था? तो यस, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि आराम हराम है। ठीक है, ये नॉट ऑथेंटिक का मतलब ये है कि इस पर जो है एज पर दी हिस्ट्री और एज पर दी रिकॉर्ड्स ये इन्हीं के द्वारा बोला गया था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ही डिबेटेबल पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, भारत छोड़ो। तो यस, ये आपको सभी को पता है कि भारत छोड़ो का जो नारा है वो हमारे गांधी जी ने बोला था। ठीक है, गांधी जी ने ही जो है फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर भारत छोड़ो का आंदोलन करा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल, अगर आपने आंसर गैस कर लिया है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, कब दिया था? जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था 1965 का, उस टाइम पे जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं, मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को, ये किसने बोला था? तो ये जो है ये पर्टिकुलर सेंटेंस बोला गया था आपका मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, तो मंगल पांडे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मारो फिरंगियों को, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट देखो, जय जगत। जय जगत जो है किसके द्वारा बोला गया था? तो यहाँ पे मोस्ट काफी लोगों को आपको ये नहीं पता होगा जय जगत किसने बोला है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, कर मत दो, यानी कि डोंट गिव टैक्स, तो ये किसने बोला था? तो ये जो है ये बोला था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, कर मत दो यानी कि डोंट गिव टैक्स, और ये किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति, यानी टोटल रेवोल्यूशन। संपूर्ण क्रांति जो है ये किसने बोला था? तो ये जो है आपका पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर वाक्य जो है बोला गया था वो थे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो यहाँ पे ये बोला गया था श्याम लाल गुप्ता जो काउंसलर थे उनके द्वारा ये बोला गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है यहाँ पे किसके द्वारा बोला गया? तो यहाँ पे है बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है वंदे मातरम बोला गया, लिखा गया, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक जया है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है लिखित है, किसके द्वारा बोला गया है ये, तो यस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की ही देन है जनगण मन अधिनायक जया है। नेक्स्ट देखो, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने बोला था, तो ये बोला था भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज यानी कि सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट, तो ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो बिल्कुल आपको आंसर दिख ही रहा है, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो जितने भी हम ये पर्सनैलिटीज देख रहे हैं, ये सारी की सारी कौन सी पर्सनैलिटीज है जो फ्रीडम फाइटर में अपना रोल जो है निभाते हैं, तो उन सभी ने कोई ना कोई जो है कोटेशन दिया था या फिर कोई ना कोई वाक्य कहा था किसी ना किसी मूवमेंट में, तो हम जो है उन सभी को क्या कर रहे हैं, स्लोगन्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये तो जो है बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा इकबाल, यहाँ पे इकबाल की ये देन है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ये किसने बोला था, तो ये जो बोला गया था लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, यहाँ पे मौत हो गई थी इस साइमन कमीशन में लाठीचार्ज के दौरान, ठीक है, तो साइमन गो बैक किसके द्वारा बोला जाता है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, Who lives if India die, ये जो है पर्टिकुलर ये बोला किसके गया था, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वेरी ऑब्वियस हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये जो है बोला गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट देखो, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माय हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है, यानी कि जब लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान को लगी थी तब इन्होंने ये चीज कही थी, अ ब्लो टू द स्टिक्स ऑन माय हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कास्केट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है कोट है ये बोला गया था यहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन विल विन, ठीक है, यानी सत्य की ही जीत होती है, तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्लोगन है ये किसने बोला था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, तो पंडित मदन मोहन मालवीय तो आपको आंसर हो जाएगा, और आपको पता है सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, दैट इज मुंडाको उपनिषद, ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक, तो ये वैसे तो बहुत ही प्यारा कोटेशन है और इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया है कि आप अगर पहली बार में कहीं पे जीत जाते हो तब आपको रेस्ट नहीं करना है। क्यों रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बाय चांस सेकंड वाले अटेम्प्ट में या फिर सेकंड वाली स्टेज में जाके अगर फेल होते हो तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि जो आप पहली वाली स्टेज को क्लियर किया वो सिर्फ आपका लक था, आपकी मेहनत नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो सिर्फ आपकी मेहनत थी। तो ये जो चीज है ये मुझे बहुत जो है पर्सनली मेरा मतलब फेवरेट कोटेशन है, और ये गिवन के मतलब किसके द्वारा दिया गया, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम वर फुलिश दे डिमांडेड प्रोटेक्शन एंड हिंदूज वर आल्सो फुलिश दे रिजेक्टेड दैट डिमांड, तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर सेंटेंस ही जो है स्लोगन ये किसके द्वारा बोला गया था, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम अगेन। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट, दुश्मन की गोलियों का हमें हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, तो यस ये हैं हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जो हैं चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने जो है ये वाक्य बोला था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे और आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। नेक्स्ट, आराम हराम है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या कोटेशंस जो कि अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने अलग अलग मोमेंट्स में जो है यूज किए थे, और ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको बस एक या दो बार इस वीडियो से गो थ्रू होना है, एंड आई प्रॉमिस कि जब आप इसके एमसीक्यू देखोगे ना तब आप अपने आप ही टिक कर दोगे, ठीक है, इतने ईजी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़ जाना, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो GK24 एप्लीकेशन को जरूर
डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारी जीके एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल। इसके अलावा जो है मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर जो है अपलोड करता रहता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो काफी इंपॉर्टेंट ऐप है, सब चीजें आपको मिल रही है एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और खुश रहो। तो मिलते हैं फिर जल्द अगली वीडियो में एक बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ। Thank you.